भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का सहारा लिया जा रहा है। बता दें कि भोपाल में मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने के लिए करीब 29,000 हरे भरे पेड़ों को काटा या शिफ्ट किया जाना है। इसे लेकर अनेक संगठनों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया जा रहा है। इस दौरान शिवाजी नगर और तुलसी नगर में लगे पेड़ों से महिलाएं चिपक कर रो रही हैं और भावुक हो गई। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। इस दौरान महिलाओं का कहना है कि यह पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाए हैं, इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है, अब इन्हें कैसे कटने दें। बता दें कि महिलाएं 5 नंबर स्टॉप के पास राम मंदिर परिसर में एकत्रित हुई और विरोध भी जताया। इस दौरान महिलाओं ने यह भी कहा कि भोपाल में सबसे ज्यादा हरियाली तुलसी नगर और शिवाजी नगर में है, ऐसे में अब उसी हरियाली से खिलवाड़ की जा रही है। सरकारी बंगले बनाने के लिए हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ाना गलत है। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर में करीब 29,000 पेड़ों को काट कर यहाँ मंत्री विधायकों के बंगले बनाना सरकार की प्लानिंग में है, लेकिन महिलाएं सरकार के इस प्लानिंग का विरोध करते हुए चिपको आंदोलन चला रही थी। इस दौरान सीनियर सिटीजन फोरम नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरमेंट और अन्य पर्यावरणविदों ने सामूहिक बैठक की। इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को कटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगर विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्ग, मुख्य सचिव वीरा राणा से मुलाकात की जाएगी और अनुरोध किया जाएगा कि मंत्री विधायकों के बंगलों के नाम पर पेड़ न काटे। इस दौरान उन्होंने पेड़ों में रक्षा सूत्र भी बांधा। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर पेड़ों को कटने भी देंगे, चाहे फिर उन्हें आंदोलन करना पड़े या सड़क पर उतरना पड़े। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।